नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, नया साल हम सबके लिए खुशियां लेकर आए, यही हम सबकी कामना होती है। दोस्तों, नए साल पर कुछ ऐसी अहम सावधानियां रखनी चाहिए जिन्हें अपना कर हम साल भर अपना शुभ बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी बातें बताएंगे दोस्तों, जिसे करने से पूरे साल आपका घर खुशियों, धन और सुख समृद्धि से बीतने वाला है। पूरे साल में हमारा हर दिन खूबसूरत हो और हर दिन मंगलमय हो, ऐसा कैसे किया जाए ये इस वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी का वास वहाँ माना जाता है जहाँ स्वच्छता और सुगंध हो। दोस्तों, 1 जनवरी के दिन नए साल के पहले दिन आपने अपने रहने का स्थान तथा कार्य का स्थान एकदम स्वच्छ कर लें और वहाँ पर एकदम सुगंधित कर लें। ऐसा दोस्तों बड़ी कोशिश करके करें। नए साल के पहले दिन अगर घर स्वच्छ होगा तो दोस्तों माता लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद करती है जिस घर में साफ़ सफाई हो। जहाँ साफ़ सफाई होती है वहाँ माता लक्ष्मी सदैव के लिए निवास करती है। उसके बाद दोस्तों, आपने अपने घर में गौमूत्र, नमक और फिटकरी मिलाकर दोस्तों एक पानी तैयार करना है और उस पानी से आपने अपने घर में पोछा लगाना है। दोस्तों, इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों, वस्त्र रखने की जगह जो होती है वो स्वच्छ रखें और इत्र होता है वो स्प्रे आदि इस्तेमाल करें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि नए साल के पहले दिन को दोस्तों आप शुरू करने से पहले वर्ष का पहला जो आरंभ है वो अच्छा करने का संकल्प लेकर करें। आपको वहाँ संकल्प लेना है कि आपको उस नए साल में क्या क्या करना है और दोस्तों उस संकल्प को साल के अंत तक पूरा करने का प्रयास ज़रूर करें। दोस्तों, आपको अपने नक्षत्र और राशि के हिसाब से नए साल के दिन एक पौधा ज़रूर लगाएं। ये दोस्तों अत्यंत लाभकारी होता है और ऐसा करने से आपका राशिफल, आपकी जो राशि होती है वो पूरे साल के लिए आपको शुभ लाभ प्रदान करती है। वो आपको व्यापारिक और दोस्तों आर्थिक मोर्चे पर आपको हमेशा आगे रख दी है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों पर कर्ज से राहत नहीं मिल रही है, जिन व्यक्तियों पर बड़ा कर्जा है और वो कर्जे से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी, या फिर उनको ज़्यादा खर्च हो रहा है, आवक कम हो, तो दोस्तों वे लक्ष्मी जी का एक खास मंत्र सुबह उठते ही नहा धोने के बाद जपना आरंभ कर दें। दोस्तों, दीपावली पर उसके बाद आपने दीपावली तक वो सुबह उठते ही उस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम श्री नमः। इस मंत्र का जाप करके आपने उस दिन की शुरुआत करनी है। ऐसा करने से दोस्तों माता लक्ष्मी आपके घर पर चली आएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करें तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।